पिता पुत्र ने आसमान में दिखाया दम, चीन पाकिस्तान को दिया बड़ा संदेश, जाने क्यों आए एयर चीफ मार्शल चर्चा में। लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे भारत में अगर हौसलों की बात ना हो तो ना इंसाफी होगी, लेकिन अगर एक बेटा जब अपने पिता के साथ देश के लिए उड़ान भरे तो ये न सिर्फ पिता के लिए फक्र होगा बल्कि देश के अन्य नौजवानों के हौसले भी बुलंद होंगे। ऐसा ही कुछ किया है एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और उनके बेटे स्क्वाड्रन लीडर मिहिर वी चौधरी ने। दरअसल इन दोनों ने एक साथ लड़ाकू विमान राफेल उड़ाकर दुश्मन देशों को भी बड़ा संदेश दिया है। खबर है कि पिता पुत्र की जोड़ी ने वायु सेना स्टेशन हासीमारा में 3 विमान युद्ध प्रशिक्षण मिशन के हिस्से के रूप में राफेल विमान पर उड़ान भरी। इसके साथ ही इस दौरान चीफ मार्शल वीआर चौधरी वायु स्टेशन का निरीक्षण किया और वायु सेना के जवानों से भी मुलाकात की। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इससे पहले गुरुवार को ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए अहम विश्लेषण और उपायों की जरूरत पर जोर दिया था। AIF प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अपने बेटे स्क्वाड्रन लीडर मिहिर वी चौधरी के साथ वायुसेना स्टेशन हासीमारा में 3 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण मिशन के हिस्से के रूप में राफेल पर उड़ान भरी। इंडियन एयरफोर्स की ओर से एक बयान में कहा गया कि वायुसेना प्रमुख और उनके बेटे द्वारा उड़ाई गई उड़ान भारतीय वायुसेना की बेहतरीन परंपराओं की निरंतरता है, भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने के महत्व को रेखांकित करती है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण और उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कमांडरों को मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, भू राजनीतिक स्थिति और अलग अलग आकस्मिक घटनाओं से निपटने में भारतीय वायुसेना की भूमिका से अवगत कराया। वायुसेना ने कहा कि एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कमांडरों के सम्मेलन के लिए 7 से 9 सितंबर 2022 तक शिलांग में मुख्यालय पूर्वी वायु कमान का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने पिछले साल 30 सितंबर को IAF की कमान संभाली थी। 29 दिसंबर 1982 को एयरफोर्स का हिस्सा बने चौधरी नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रोडक्ट हैं। उनके पास 3,800 घंटों से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है। अब मिहिर अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर और बेटे ने मिलकर फाइटर जेट उड़ाया हो। इससे पहले 2013 में तत्कालीन IAF चीफ NAK ब्राउन और उनके बेटे उमर ब्राउन ने एक साथ सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।